ले आओ भैया ले आओ। सो गाइज ये है TVS की राइडर। इसका मैंने अभी पिछले दिनों मैंने इसका रिव्यू की वीडियो डाली थी, अगर आपने वो रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में और प्लस भी लगा दो साइड स्टैंप लगा दो, प्लस आई बटन में लिंक दे दूंगा और लास्ट की जो एंड स्क्रीन पे जो आता है स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे दे दूंगा। तो रिव्यू चेक कर लेना, ऑनेस्ट रिव्यू था, बिल्कुल बनावटी नहीं था। सबसे अच्छी बात है कि जो मैंने इसमें चीज़ देखी वो मैंने एक्सप्लेन करी है वीडियो के अंदर। तो अगर आपका मन बन रहा है 125cc राइडर लेने का तो बिल्कुल ये बाइक परचेस कर सकते हो, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बाकी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भाई इस बाइक में कैसी परफॉर्मेंस हमें मिल रही है, TVS ने 125 में कितना दम डाला है वो मैं आज चेक कर लूँगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी गेयरबॉक्स जो इसमें 5 स्पीड मिल जाता है हमारे को, सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, पीछे ड्रम मिल जाता है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, एक बार छोटा सा क्विक रिव्यू भी कर देता हूँ इसका, कि दो वेरिएंट में आते हैं बाइक में, एक वेरिएंट में आती है डिस्क ब्रेक, एक में नहीं आती है, मतलब कि दो ही वेरिएंट है इसके अंदर। बाकी इस बाइक जो है वो किकलेस रहने वाली है, क्योंकि इस बाइक के अंदर जो है ना किक कंपनी देती नहीं है, चाहे आप डिस्क ब्रेक वाली बाइक लो या ड्रम वाली लो, ठीक है। और बाइक का जो पेट्रोल कैपेसिटी है वो रहने वाला है 10 लीटर, 1.5 लीटर कम से कम इसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है जी। हमारा जो मीटर है वो फुल्ली डिजिटल रहने वाला है, बिल्कुल भी इसमें एनालॉग का यूज़ नहीं करा गया है। और बाकी ओके की रिपोर्ट वाली इसकी डिस्प्ले है, सारी मतलब इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में मिल जाती है। बाइक का नाम रहने वाला है राइडर, 125cc की बाइक है, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और माइलेज 60+ है। ये आ गई है चाबी हमारे पास, इस चाबी इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे कैसी परफॉर्मेंस ये दे रही है 125cc के अंदर, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस मैं बाइक के ऊपर बैठ गया हूँ, तो बैठने के बाद जो सीट का जो कंफर्ट है वो काफ़ी फील हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब राइडर को और पिलियन को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नैरो सीट है कि सिर्फ राइडर के लिए मतलब ब्रॉड कर दियो और पिलियन के लिए नैरो कर दियो, पिलियन के लिए भी मतलब ब्रॉड है और राइडर के लिए भी ब्रॉड है। बाकी सस्पेंशन की बात करूँ तो पीछे जैसे कि मोनो सस्पेंशन हमें मिल जाता है, तो मोनो सस्पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, जो बात है ठीक है ना, काफ़ी मतलब एक कंफर्ट जो है फील करा रहा है। और हैंडलिंग की बात करूँ तो एक मिनट में पहले अपनी टी शर्ट ऊपर करूँ, तुम्हारा भाई जिम जाने लग गया ना आजकल, थोड़े डोरे वोरे टाइट हो रहे हैं। तो हैंडल की बात करूँ तो हैंडल जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है, थोड़ा सा ना स्पोर्टी सा फील हो रहा है, मतलब आपकी जो बॉडी का जो पॉस्चर है वो हल्का सा आगे की तरफ डाउन होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप RTR 200 चलाते हो ना उस हिसाब से, मतलब थोड़ा सा फील वैसे ही आएगा। बाकी थोड़ी सी हाइट हो जाती है तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से कंफर्टेबल और इन्हेंस हो जाता है, बाकी और बाकी तो ठीक है। बाकी इसका डैशबोर्ड जो है ऐसा रहने वाला है, इसमें कोई विंडशील्ड वगैरह नहीं मिलती है आपको कंपनी से। बाकी चाबी ऐसी ऑन करेंगे तो चाबी ऑन करते हैं, यहाँ पे देखो ये हॉर्स बना आता है TVS का जो साइन है, और बाकी यहाँ पे हमें मिल जाता है RPM मीटर देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल यानी गियर इंडिकेशन, यहाँ पे टाइम जो है अभी एक्जैक्टली 5:43 मतलब 5:45 हो रहे हैं और यहाँ 6:16 हो रहे हैं, मतलब टाइम तो चलो सेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हमको मिल जाता है स्पीड मीटर, यहाँ पे RPM, यहाँ पे गियर इंडिकेशन, यहाँ पे हमको फ्यूल की डिटेल मिल जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे न्यूट्रल और ये पावर का मोड है, ठीक है जी। यहाँ पे ये पावर मोड आ गया और इको मोड है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन का साइन आ गया सेंसर का, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर ओडोमीटर दिखाई देगा, यहाँ पे ट्रिप मीटर दिखाई देगा, ट्रिप मीटर के लिए बटन यहाँ पे आ रखे होंगे, देखो ये देखो जी, इसमें मिल जाता है ट्रिप, ट्रिप ए ट्रिप बी, रेंज कितने किलोमीटर चलेगी, एवरेज क्या दे रही है, ठीक है जी। ये डिटेल इसके अंदर मिल जाती है, यहाँ पे किलोमीटर ओडोमीटर जो होता है वो दिखाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सेल्फ की आवाज़ जो है बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे खें 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 करती थी नॉर्मल पहले बाइक के, वो अब नहीं करेगी। इसका सेल्फ का जो स्टार्टिंग ऐसे दे दिया है जस्ट लाइक जैसे होंडा का आता था ना, उसके अंदर पता चला, जैसे होंडा शाइन आपने देखी होगी SP, जिसके अंदर क्या होता है कि स्टार्ट करें, ये देखिए आवाज़ सुनना आप, ये देखो स्टार्ट हो गई, पता ही चला। तो इंटरनल इसके अंदर जो जो सेल्फ है वो फिट किया गया है, जिससे बिल्कुल भी खेके की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। यहाँ पे किल स्विच वाला सीन नहीं है, यहाँ पे इको मोड पावर मोड दिया है। अभी मैं इको मोड पे चलाऊंगा, देखूंगा इको मोड पे कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, और फिर मैं उसके बाद रोड देख कर पावर मोड पर डालूंगा, तब पता चलेगा कैसी कर रही है, ठीक है परफॉर्मेंस। बाकी चलते हैं। गियर जो है इसके एक आगे सारे पीछे रहने वाले हैं, जस्ट लाइक Apache 200 RTR। बाकी चलते हैं। तो ये गियर इंडिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, देखो 2 नंबर आ गया, यानी कि सेकंड गियर पे मैं आ गया हूँ। और अगर मैं जैसी ये रेस को दे रहा हूँ तो फील करा रहा है कि हाँ पावर है,
क्या बात है। तो जैसे ही मैं मतलब हल्का सा हाई करता हूँ, मतलब RPM जो 4000 से 5000 की तरफ जाता है, तो उस बाइक की जो आवाज़ है वो एकदम से अग्रेसिव हो जाती है और बाइक भी मतलब थोड़ा सा पिकअप फील कराती है। और अगर बात करूँ इसके अंदर ब्रेक की, तो ये तो मेरे को अभी पता चला जब मैं चला रहा हूँ, तो जैसे कि मैं रियर ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ ना, तो देखो आगे की ब्रेक भी काम कर रही है जस्ट लाइक कॉम्बी ब्रेक, जैसे कि हमारी स्प्लेंडर में हमें कंपनी देती है सेम वही है। बाकी गियर डालते ही ये देखो, तो यहाँ पे गियर डालते ही जैसे हम भगाएंगे इसको, मतलब गियर शिफ्ट करेंगे जैसी, तो उसके बाद पावर मोड जो है यहाँ पे एकदम से लाइट जो है ब्लिंक हो जाती है कि पावर में आ गई बाइक आपकी, आप पावर मोड यूज़ कर रहे हो। जैसे कि हमारा TVS की जुपिटर हो गई या इंटॉर्क हो गई, इसके अंदर पावर मोड जो आता है इको मोड पावर मोड जस्ट लाइक वो दिखा रहा है, ठीक है जी। और बाकी अभी इसको मैं चेक करूँगा हाईवे पे, मतलब हाईवे इन द सेंस थोड़ा सा मेन रोड आ जाए जहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको खींचूँ, ज़्यादा नहीं खींचूँगा, नई बाइक है, क्योंकि यार देखो कोई भी ये परचेस करेगा तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपने हिसाब से हल्का चलाऊँगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे जज मत करना कि मैं चला रहा हूँ, बस मैं खाली इसको हार्म ना पहुँचे उस हिसाब से मैं इसको चलाऊँगा, ठीक है। सो गाइज ये लगा लो कि ये मतलब अगर मैं बात करूँ 125cc की बाइक मैंने और भी चलाई है, तो उसके अकॉर्डिंग दिखाया जाए थोड़ी सी अग्रेसिव है भाई जो बात है, क्योंकि TVS जो है अब इंजन परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है पहले से देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लगा लो जब से RTR आई थी, क्योंकि मेरे दोस्त हसमत के पास भी थी पहले 205, तो ये लगा लो उसके अंदर ना मतलब परफॉर्मेंस दिखती थी मुझे सेम एज इट इज़, 125cc के हिसाब से इस बाइक के अंदर मुझे परफॉर्मेंस दिख रही है। बाकी टैंक की बात करूँ तो टैंक भी काफ़ी स्पोर्टी है, देख सकते हैं आप, यार मुझे पर्सनली पसंद आया। और इसके अंदर श्राउड जो है टैंक के अंदर ही ऐड करे हुए अलग से, हाँ टैंक के अंदर ही ऐड करे हुए श्राउड्स, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ऐसे डाउन जा रही नीचे से, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और बाकी इसके अंदर कमी जो है वो सबसे पहले कमी बोलूँगा किल स्विच की, जो मैं चाबी से ऑन ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो FI बाइक है तो उसके अंदर यार यहाँ से चाबी से ऑन ऑफ करना मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली, ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि इसके अंदर अगर ये होता किल स्विच तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी तो ओवरऑल पिकअप के मामले में बढ़िया चल रही है, दिखने में भी ठीक ठीक है और काफ़ी अटेंशन ग्रैब कर रही है। लगा लो पीछे भी दो भैया ने मतलब मुझसे बाइक पर चलते चलते पूछा था, बट ट्रैफिक और थी मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया। बाकी शीशे जो हैं इसके जो मिरर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि छोटा व्यू कैप्चर कर रहे हो या डाउन हो, मतलब हाइट भी ठीक है। और इसका जो मिरर का जो साइज़ है ये काफ़ी ब्रॉड है, इससे काफ़ी अच्छा खासा एरिया जो है मुझे दिख जा रहा है, ठीक है ना। बाकी इंडिकेटर हेलोजन रहने वाले हैं, इसका बताया था, हॉर्न भी नॉर्मल ही है, ठीक है ना। तो भाई इनिशियल पिकअप जो है बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा इनिशियल पिकअप है, मतलब आप ये लगा लो 125cc के अंदर अगर आप ढूंढ रहे हो ना बाइक जिसमें परफॉर्मेंस हो, लुक हो, और प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग इतना ज़्यादा सही लगा ना मुझे, इतना सही लगा नो डाउट, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। मतलब मैं BS6 स्प्लेंडर मैंने ओन कर रखी है लगा लो, उसका जो आज के टाइम में रेट है वो जा रहा है 80+, ठीक है, किसी में 82 है शोरूम में, किसी में 83 है, किसी में 84 है, मतलब समझ लो 80+ हर जगह मिलेगा आपको स्प्लेंडर का जो रेट। स्प्लेंडर रहने वाली 97.2cc की बाइक, ठीक है जी, माइलेज उसकी भी इतनी आती है कि 70-72 देती है आराम से वो, ये भी 60+ देगी आपको हाईवे पे, ठीक है। और प्लस अगर बात करूँ फीचर्स की, तो भाई देखो फीचर्स आपको बताया था इसके अंदर कितने मिल जाते हैं। देखो इसके अंदर हमारे डिस्क ब्रेक मिल रही है फ्रंट में LED हेडलैम्प मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, जस्ट लाइक अ कैट, ठीक है, अग्रेसिव कैट, ठीक है, वो मिल रहा है। डिस्प्ले हमारे को जो है भाई मीटर की पूरी मतलब मीटर कंसोल जो है वो लगा लो पूरा डिजिटल मिल रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो माइलेज कितना दे रही हो, कितना किलोमीटर चलने वाली और रह गई है, और क्या नाम है कितने किलोमीटर चल चुकी है, RPM मीटर, हर एक चीज़ मिल जाए इसके अंदर मिल रही है। मतलब आज के टाइम का स्मार्ट जिसे मीटर बोलेंगे वो ये है, मीटर कंसोल काफ़ी स्मार्ट है, इसमें टायर टाइमिंग मिल जाती है, फ्यूल इंजेक्शन, पावर वावर सब, मतलब फीचर्स की भरमार है इस बाइक के अंदर। मोनो शॉकर मिल रहा है, ठीक है जी, ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर स्प्लेंडर में भी मिल रहे हैं, बट आप लुक देखो यार कितना स्पोर्ट लुक है उसका, सिंपल लुक है, मेरे पास खुद है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बात कंपैरिजन करूं तो भाई ऑनेस्ट रिव्यू है, ऑनेस्ट कंपैरिजन कर रहा हूं कि भाई कंपैरिजन में तो ये बाइक जो है विनर है भाई मेरी नज़रों में, ठीक है ना। तो भाई अगर किसी को लेनी है 125cc के अंदर या 100cc के अंदर भी, तो भाई ये बाइक लो, होंडा शाइन भी भाई खतरे में है, इससे बहुत अग्रेसिव है भाई, बहुत अग्रेसिव है, चलने में तो है ही दिखने में भी है जो बात है। तो गियर की भी बात करूँ तो गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, मतलब काफ़ी स्मूथ जो है गियर शिफ्टिंग हो रही है, अप एंड डाउन जो भी हो वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है गियर बॉक्स। और सिटिंग पोस्चर भी जो है
सही है, मतलब कि पोजीशन जो है एकदम मेरी बढ़िया है। हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग भी काफ़ी स्मूथ है। क्लिप ऑन इसमें हैंडल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल हैंडल बार भी अच्छा हो रहा है इसके अंदर। बट थोड़ा सा ना इसकी हाइट ऊपर होनी चाहिए तो मज़ा आता। बाकी ब्रेकिंग तो अल्टीमेट है भाई, अगर मैं पीछे की रियर ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ तो फ्रंट की काम कर रही है, फ्रंट की काम कर मतलब फ्रंट की अगर दबा रहा हूँ तो भी अच्छी ब्रेकिंग मिल रही है, जो बात है मतलब डिस्क ब्रेक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो 125 सीसी के अंदर अगर आप कोई बाइक ढूंढ रहे हो तो भाई ये समझ लो बाइक आपके लिए बनी है वाली, मेरे हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया बाइक लगी मुझे। और ये लगा लो इसके जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुनो आप, क्या बात है भाई क्या बात है, एकदम बेसी साउंड जो होता है ना वो आ रहा है इसके अंदर, फुल बेस भरा हुआ आ रहा है समझ लो, ठीक है ना। तो चलो भाई इसको यहाँ से मोड़ लेते हैं, पता चले भाई पेट्रोल वेट्रोल है नहीं कहीं रास्ते में बंद हो जाए तो और दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल भाई मेरी तरफ से 10 out of 10 इस बाइक को मिलते हैं। चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ब्लैक मिल जाता है, येलो मिल जाता है, रेड मिल जाता है और एक ब्लू मिल जाता है, ठीक है ना। अब ब्लू और रेड के कौन कौन से नाम है, क्योंकि भाई देखो हर कलर का कुछ ना कुछ नाम होता है, साइंटिफिक नेम होते हैं, तो कौन सा है वो मुझे नहीं पता, बट अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि लाल नीला पीला काला, ठीक है। तो चार कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बाइक में। मिलते हैं हमारे दो वेरिएंट, एक आता है डिस्क ब्रेक जो कि सिंगल डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रंट में, एक आता है ड्रम जिसमें आगे भी ड्रम पीछे भी ड्रम। अच्छा बाइक के अंदर किक की फैसिलिटी कंपनी नहीं देती है, थोड़ा सा ये ड्रॉबैक मुझे लगा, इसके अंदर किक दे देते 125 सीसी का इंजन है कोई बात नहीं है चलता है, बट किक होनी चाहिए थी क्योंकि भाई क्या है कि कई बार बैटरी चोरी हो जाती है, बैटरी ख़राब हो जाती है, तो उस बेस पे बंदे को बैटरी ही डलवानी पड़ेगी, वरना धक्के लगा के स्टार्ट करनी पड़ेगी। धक्के में भी शायद ही स्टार्ट हो क्योंकि FI बाइक है, फ्यूल इंजेक्शन जब तक काम नहीं करेगा जब तक वो आगे फ्यूल नहीं भेजेगा, जब तक आगे फ्यूल नहीं पहुंचेगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। सो बैटरी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, इस बाइक के अंदर FI बाइक के अंदर खासकर। तो भाई इसमें किक होनी चाहिए थी और किल स्विच होना चाहिए था। बाकी मेरी तरफ से बाइक बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से आपको मतलब मेरे को लगी, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप ले सकते हो, चलने में काफ़ी अच्छी है। 5 गियर मिल रहे 125 सीसी के अंदर यार, इससे अच्छी है बात है, डिस्क ब्रेक है, ट्यूबलेस टायर है, अग्रेसिव पिकअप है, लुक है खतरनाक, क्या बात है, देख रहे हो बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, मस्त एकदम, बहुत सही भाई। तो गाइज़ आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने वीडियो बना दी, आपने रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन ऑल योर्स, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बाइक वीडियो और ये बाइक कैसी लगी। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, देखो आपकी लोगों की डिमांड आती है तो मैं वीडियो बना देता हूँ, तो ऐसी आप भी मुझे डिमांड करो कि भाई बताओ कि इस बाइक का इस स्कूटी का रिव्यू करना है तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जाकर वहाँ पे। और बाकी बताना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये वीडियो। बाकी मेरी तरफ से भाई हाईली रिकमेंडेड है। मगर बात करूँ स्प्लेंडर से और इसकी, तो भाई अगर स्प्लेंडर में आप 85,000 और एक फाइनेंस करा के 110,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको इस बाइक पर स्विच करना चाहिए, क्योंकि ये बाइक जो है उससे ज़्यादा बेटर है चलने में, परफॉर्मेंस वाइज, कंफर्टेबल वाइज और फीचर वाइज। तो देखो मैंने इतनी चीज़ें गिनवा दी आपको, तो अब तो भाई सेटिस्फाइड हो गए आप, ये देख सकते हैं आप, क्या बात है यार। और बात रही इको मोड पावर मोड की, तो इको मोड पे चलाओगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा तो हल्का सा पिकअप कम है, बाकी अगर पावर मोड डालते हो तो भाई इसमें फ्यूल भी कंजप्शन होगा ज़्यादा और प्लस हल्की सी पावर भी महसूस कराएगी आपको, वो मेरे ख्याल से शायद RPM का रोल है या थोड़ा सा करंट का रोल है, कुछ ऐसे सेटिंग है। बाकी तो ओवरऑल आप इको मोड पर चलाओ गाड़ी वैसी अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है आई नो, बट भाई डिटेल वाली वीडियो बनाता है तुम्हारा भाई जब भी बनाता है, तो जितनी मैंने इससे बाइक से डिटेल खींची है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। कुछ रह गया हो तो उसके लिए भाई क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।